नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल ए टू जेड रिपेयरिंग में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको ग्राउलर के बारे में बताने वाला हूं कि उसे आप खुद से कैसे बना सकते हैं और उससे आर्मेचर को कैसे चेक करते हैं। जी हां दोस्तों, इस तरह का ग्राउलर को आप घर पर बना सकते हैं, खुद से बना सकते हैं और इससे आप आर्मेचर को चेक कर सकते हैं। दोस्तों, मैं एक वीडियो पहले इस पर बनाया था, तो दोस्तों उस वीडियो में बहुत सारे कॉमेंट आए हुए हैं कि इसमें जो पत्ती का यूज किया गया है वो कितना नंबर है, इसमें ये जो चौड़ाई है पत्ती का ये कितना इंच है, इसमें जो वायर यूज किया गया है वो कितना नंबर है, कितना टर्न है और इस तरह का बहुत सारे सवाल है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, मैं आपके सभी सवालों का कोशिश करूंगा जवाब देने के लिए और इससे आर्मेचर को कैसे चेक करते हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटे को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला कमेंट है शंकर नंदी द्वारा, ये लिख रहे हैं, सर इसका डाटा दीजिएगा, खराब और सही आर्मेचर को कैसे चेक करें और थोड़ा बताएं प्लीज। तो शंकर नंदी जी, हमारे चैनल पर बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बिल्कुल आपकी सहायता करूँगा। दूसरा कॉमेंट है दिनेश गोस्वामी बरी द्वारा, ये लिख रहे हैं, सर इसका डाटा दीजिएगा तो बहुत कृपा होगी, वेरी नाइस। तो दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर बनने के लिए, मैं बिल्कुल आपकी मदद करूंगा। तीसरा कमेंट है ऑनलाइन वर्कशॉप द्वारा, ये लिख रहे हैं, तार का नंबर क्या है भाई। सर जी, हमारे चैनल पर बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। चौथा कॉमेंट है कुमार अनिल द्वारा, ये लिख रहे हैं, सर इसमें टर्न कितने हैं, मैं भी कोशिश करूंगा बनाने की, क्योंकि आपकी हर वीडियो में कुछ नया सीखने को मिलता है। कुमार अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो पे बनने के लिए, वीडियो को लास्ट तक देखें, आप लोगों के सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित वीडियो इस चैनल पर अपलोड होते रहते हैं और साथ में घंटे के बटन को दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। और यदि सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस ग्राउलर को बनाने में आप इस तरह के ट्रांसफार्मर पत्ती का जो है कोई भी नंबर पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे इस ग्राउलर में जो पत्ती का इस्तेमाल किया गया है वो 33 नंबर है। तो दोस्तों, इस तरह के ट्रांसफार्मर पत्ती का जो है ग्राउलर में यूज करने के लिए यहाँ का ये पोर्शन बीच वाला है, इसको जो है छेनी या कटर से जो है जिससे आपको सुविधा हो उससे काट लें। इस तरह देखिए, इस तरह के काटने के बाद में फिर से जो है एक यहाँ काटेंगे और एक यहाँ काटेंगे और इस तरह एल बना लेंगे, इस टाइप का एल, और इसमें से करीब 100-150 पत्ती लग सकता है। इस तरह का ग्राउलर बनाने में ये पत्ती का जो है 100-150 पत्ती यूज हो सकता है। वैसे हमने इसमें काउंटिंग जो है पत्ती का नहीं किया और इसको जो है आप वो वीडियो को देख सकते हैं, इस तरह हमने पत्ती को जो है एक जगह जो है आप देख सकते हैं, इस तरह से जो है पत्ती को सेटिंग करना है और फिर यहाँ पे एक पत्ती लगाना और फिर उसी तरह से जो है यहाँ पे इस तरह बिठाना है। इस तरह से लगभग जो है 1.25 इंची तक होना चाहिए, इसका चौड़ाई 1.25 इंच है और जो पत्ती का इस्तेमाल करेंगे वो कोई भी नंबर होना चाहिए, 33 नंबर, 15 नंबर, कुल मिला के कि जब हम इस तरह का आर्मेचर जो हम इस पर बैठाएंगे तो ये अटकना चाहिए इस पर। और दोस्तों, इसमें जो वायर का यूज किया गया है वो 35 नंबर वायर है, आप वैसे कोई भी नंबर का भी वायर से यूज कर सकते हैं, 34 हो, 37 हो, 30 हो, पर जितना पतला से पतला वायर का यूज करेंगे मैग्नेट उतना बढ़िया जो है बनेगा। तो इसमें 35 नंबर का यूज किया गया है, लगभग 150 ग्राम वायर का इसमें यूज किया गया है। तो दोस्तों, समय को ना गवाते हुए मैं आपको बताता हूँ कि इससे आर्मेचर को कैसे चेक करते हैं। आप देख सकते हैं, इस तरह से रख लेंगे इसको
तो दोस्तों इस ग्रॉलर को कैसे तैयार किया गया है इसका पूरा वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, आप वहां से देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो अब जो है इसमें लाइन देने के बाद में जो है यहां पे आर्मेचर को रख देना है। अब दोस्तों इसको चेक करने का तीन तरीका, ये आर्मेचर जो है हमारा तीन तरीका से ख़राब होता है, एक शॉर्ट सर्किट, एक ओपन सर्किट और एक अर्थ सर्किट। तो दोस्तों पहले हम शॉर्ट सर्किट के बारे में जानेंगे कि शॉर्ट सर्किट को कैसे चेक करते हैं, जो आर्मेचर हमारा शॉर्ट सर्किट ख़राब होता है तो उसे कैसे चेक करते हैं और क्या होता है। तो दोस्तों शॉर्ट सर्किट चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि ग्राउलर में पहले लाइन दे लेंगे और ग्राउलर में लाइन देने के बाद में इस तरह का एक्सो ब्लेड ले लेंगे और बारी बारी से सब जगह जो है सटाएंगे और एकदम हल्के हाथ से सटाना है और इसको एक हाथ से धीरे धीरे जो है आर्मेचर को घुमाना है। दोस्तों ये टेस्टिंग जो है सिर्फ एक्सो ब्लेड से ही होगा, चक्कू वगैरह से करके ना देखें। ये देखिए हमारा एक्सो ब्लेड जो है कहीं भी नहीं पकड़ रहा है। ये देखिए दोस्तों शॉर्ट सर्किट नहीं बता रहा, अगर शॉर्ट सर्किट बताता तो ये एक्सो ब्लेड जो है इसमें जो है पकड़ लेता और ये वाइब्रेट करता है। इसको जो है शॉर्ट करके मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ कि शॉर्ट सर्किट में जो है ये एक्सो ब्लेड किस तरह वर्क करता है। ये देखिए यहाँ पे कम्यूटेटर के बीच में जो है जो गैपिंग है उसमें रंगा भर दिए, मतलब ये कि ये आर्मेचर का को एक खाना जो है एक दूसरे में शॉर्ट हो गया, यानी कि इसको हम शॉर्ट करवा दिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि शॉर्ट सर्किट में ये हमारा एक्सो ब्लेड किस तरह से वर्क करता है। एक्सो ब्लेड को हल्के हाथों में लेंगे, देखिए एक्सो ब्लेड का आवाज कैसे बदल गया। ये देखिए एक्सो ब्लेड हमारा जो है कंपन हो रहा है, ये एक्सो ब्लेड हमारा वाइब्रेट कर रहा है, इस तरह का कंपन पहले नहीं था, वैसे आवाज करता है, ये करता है मगर यहाँ पे आवाज पहले नहीं था आर्मेचर के ऊपर। अभी देखिए आर्मेचर के ऊपर आवाज कर रहा है, आप देख सकते हैं। अब जो दूसरा तरीका है चेक करने का वो है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में होता क्या है दोस्तों कि कहीं से जो है हमारा वायर जो है कट जाता है, तो कट जाता है तो उसको कैसे चेक करेंगे, तो मल्टीमीटर को जो है एसी रेंज में रख लेंगे सबसे नीचे वाले में 10K में, ये देखिए यहाँ पे जो है हल्का सा जो है मीटर का काटा हल्का सा उठेगा, मतलब यह है कि इस पर हमारा आउटपुट वोल्टेज कुछ जो है एसी वोल्ट जो है मिल रहा है। अब इसको फिर दोबारा से हम इस तरह घुमाएंगे, ये देखिए इसी तरह जो है बारी बारी से चेक करना है, जिसमें जो है कटा हुआ रहेगा उसमें जो है कंटिन्यूटी नहीं बताएगा। ओपन सर्किट को चेक करने का एक और भी तरीका है वो मैं बताता हूँ। इस तरह का आप एलईडी ले लेंगे और एलईडी को जो है इस तरह से जो है रखेंगे तो देखिए एलईडी जो है जलेगा, आप देख सकते हैं। अब देख रहे हैं सभी में जल रहा है, यानी कि ये हमारा आर्मेचर जो है ठीक है, ये कटा हुआ नहीं है। तीसरा है अर्थ सर्किट। दोस्तों अर्थ सर्किट चेक करने का तरीका है कि फिर से आप मल्टीमीटर को जो है एसी रेंज में रख लेंगे और एक
रोड जो है बॉडी पे लगाना है, अर्थ पर लगाना है, और इसको जो है बारी बारी से जो है सारे पिन पर इस तरह जो है घुमा घुमा के आप जो है चेक करेंगे। यदि कहीं पे वोल्टेज जो है आउट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये आर्मेचर हमारा जो है ख़राब है, ये वायर जो है अर्थ के साथ में जो है शॉर्ट है। वैसे इसमें आप देख सकते हैं कहीं जो है कोई वोल्टेज आउट नहीं कर रहा है, यानी कि ये हमारा आर्मेचर जो है अर्थ सर्किट से भी ठीक है और ओपन सर्किट से भी ठीक है और शॉर्ट सर्किट से भी ठीक है। तो दोस्तों ये चेंज हुआ था यहाँ पे जो है टूट जाने के वजह से। तो दोस्तों तीनों तरीका हमने बता दिया कि आर्मेचर को कैसे चेक करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कुछ सुझाव देनी हो तो कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।